कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है। कुछ महीने पहले छात्र नेता से विधायक बने रविंद्र भाटी के नामांकन के बाद न सिर्फ बीजेपी प्रत्याशी कैलाश चौधरी मुश्किल में फंस गए हैं, बल्कि कांग्रेस प्रत्याशी की सांसें भी फूल रही हैं। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान की बाड़मेर बनी हॉट सीट। बाड़मेर में त्रिकोणीय मुकाबला, रविंद्र भाटी का निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर नामांकन। बाड़मेर लोकसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबले की संभावना बढ़ गई है। निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विधायक रविंद्र सिंह भाटी की ओर से 30 मार्च को दो नामांकन पत्र दाखिल किए गए थे। इसके बाद भाटी ने गुरुवार को भी नामांकन दाखिल किया। इस बीच नाम वापस लेने की अटकलों के बीच भाटी ने न्यूज 18 इंडिया से कहा कि वो किसी भी कीमत पर अपना नाम वापस नहीं लेंगे। लेकिन बाड़मेर में मैच एक तरफा नहीं है। एक दिन पहले कांग्रेस उम्मीदवार और मेदराम के नामांकन रैली में भी भीड़ कम नहीं थी और मेदराम हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी से कांग्रेस में शामिल हुए थे। कांग्रेस ने बाड़मेर से टिकट दिया, लेकिन भाटी के नामांकन से ज्यादा मुश्किल में नजर आ रहे हैं बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी। वजह है भाटी के नामांकन से परंपरागत राजपूत वोट और मोदी से प्रभावित युवा और महिला वोट बैंक में सेंध का खतरा। चौधरी का कहना है कि आखिर में वोट मोदी के नाम पर ही पड़ेगा। राजस्थान में 25 सीट में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती बाड़मेर में ही है। भाटी के समर्थक भाटी को मारवाड़ का मोदी कहते हैं। सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर है। महज 26 साल की उम्र में 3 महीने पहले बाड़मेर के शिव से भाटी निर्दलीय विधायक चुने गए। भाटी तब बीजेपी में थे, टिकट नहीं दिया तो बागी हो गए। बाड़मेर में 2014 में ही ऐसे हालात बने थे। तब बीजेपी से बगावत कर केंद्रीय मंत्री रहे जसवंत सिंह ने निर्दलीय ताल ठोकी थी। हालांकि मोदी लहर के चलते बीजेपी सीट बचाने में सफल रही। बाड़मेर में जाट, दलित, राजपूत और मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में है। फिलहाल 4 जून को साफ हो जाएगा कि बाड़मेर पर किसका कब्जा होगा। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश बीजेपी कार्यालय प्रभारी मुकेश पारिक ने बृहस्पतिवार को आपको बता दें कि टोंक में बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक लेकर के चुनाव की रणनीति पर चर्चा की है। सचिन पायलट के गढ़ में बोलते हुए उन्होंने कहा कि इस बार सचिन पायलट ना तो विधानसभा में कोई चमत्कार कर पाए हैं, ना ही लोकसभा चुनाव में कर पाएंगे। गहलोत और पायलट सिमट करके रह गए हैं, अब सिर्फ मोदी का चमत्कार चलेगा। मुकेश पारिक ने कहा कि मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल के आधार पर हम कह सकते हैं कि इस बार 400 पार। पायलट ना तो कोई विधानसभा में चमत्कार कर पाए और ना कोई लोकसभा में कर पाएंगे। हम चाहे सचिन पायलट जी हो और चाहे अशोक गहलोत जी हो, अब जनता में इनका कोई जनाधार नहीं रहा है। एक सीमा तक ये रह गए हैं, तो कोई ये अभी सिर्फ और सिर्फ अगर कोई चाहे चमत्कार कहिए चाहे कोई आह्वान कहिए, सिर्फ और सिर्फ मोदी जी का है और जनता मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट करेगी। और उदयपुर से